हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है सिम्बा, जो कि पिछले साल दिसंबर 28 में रिलीज हुआ था और बहुत बड़ा सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर मूवी माना जा रहा है। ये वीडियो बनाने का रीजन क्या है? एक मूवी अच्छा हुआ है तो वो मूवी हिट होना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं दूसरा क्या बोलने वाला हूँ, तो इसके पीछे दो तीन चार रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2018 बॉलीवुड के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साल रहा है, क्योंकि इस साल में एक नया ट्रेंड लोगों में देखने को मिला है, एक नया ट्रेंड ऑडियंस में देखने को मिला है, जो कि ऑडियंस वही पुराने घिसी पिटी कहानी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसके वजह से बड़े बड़े फिल्में कमर्शियल मूवी धरे के धरे रह गए, जो कि फ्लॉप हो गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिम्बा एक मूवी है जो कि साउथ का रीमेक है। रोहित शेट्टी ने इस मूवी में ऐसा नया कुछ नहीं किया, जो कि रोहित शेट्टी 8 साल तक करते आ रहे हैं वही इस मूवी में उसने दोहराया है। माइंडलेस लॉजिकलेस एक कमर्शियल मूवी है। थर्ड, इस मूवी के जो भी गाने सुपर हिट हुए वो दो गाने पुराने गानों का रीमेक है, तो सेम कंटेंट सेम चीज होने के बावजूद भी सिम्बा इतना सक्सेसफुल मूवी कैसे बन गया? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको मूवी अच्छा लगा तो आप शायद गलत हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इट्स गुड मूवी है, कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव से सब सब अच्छा है इस मूवी में, बट फिर भी जो भी कमर्शियल मूवीज आज नहीं चले, सेम फार्मूला मेंटेन करके भी सेम चीज़ जो चीज़ हम बरसों से देखते आ रहे सेम ही चीज़ है सिम्बा में, तो ये मूवी कैसे इतना सक्सेसफुल बन गया? तो इसका मेन रीज़न दो है शायद। एक है इसका मार्केटिंग। करण जौहर और रोहित शेट्टी ने इस मूवी का जैसा मार्केटिंग किया वो मेन वजह है सिम्बा का सक्सेसफुल होने का, क्योंकि ये मूवी दिसंबर 28 पे आया है, जो इस समय में ऑडियंस का जो माइंड रहता है वो फेस्टिव मोड रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सेलिब्रिटी टाइप मूवी देखने में ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि एंटरटेनिंग हो। और रोहित शेट्टी और करण जौहर ने पहले से ही, उन लोगों ने ये बोलते आ रहा है कि ये मूवी एक कमर्शियल मूवी है, इससे कुछ अलग एक्सपेक्ट मत करना। तो ऑडियंस जब गया तो वही सेंटिमेंट वही माइंडसेट लेके मूवी देखने को गया, और जो कि ये मूवी है कमर्शियल माइंडलेस लॉजिकलेस कमर्शियल मूवी। देखिए, ये मूवी बेसिकली एक एवरेज मूवी है, कोई भी क्रिटिक्स ने इसको बहुत अच्छा रेटिंग नहीं दिया है। अगर आप सिम्बा देख चुके हैं तो इसका फर्स्ट हाफ आपको दबंग जैसा लगेगा और इसका सेकेंड हाफ आपको सिंगम जैसा लगेगा, फिर भी सेम फॉर्मूला मेंटेन करते हुए भी ये मूवी सक्सेसफुल हो गया। 4 दिन में इसने 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर दिया और 1 हफ्ते में 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, तो इतना बड़ा हिट क्या ये मूवी डिजर्व करता है? इतना एवरेज होके भी ये मूवी इतना बड़ा हिट कैसे बन गया? इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पिछले साल 2017 में। 2017 में दो बड़े एक्सपेक्टेशन वाली मूवी आ रही थी, एक है जब हैरी मेट सजल और एक है ट्यूबलाइट, क्योंकि जब हैरी मेट सजल में था शाहरुख खान और उसका जो डायरेक्टर था इम्तियाज अली, ये दोनों का पहला कोलेबोरेशन था और दोनों ही अपने काम में माहिर है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, कुछ भी बोल लो, जब फिल्में रिलीज होती है हर साल में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन खान्स की मूवी में ही होती है, ये अब कितना भी डिस्कस कर लो सबसे ज़्यादा लोग खान्स की मूवी देखते हैं। तो जब हैरी मेट सजल जब फ्लॉप हुआ उसके बाद दूसरा मूवी आया ट्यूबलाइट, जो कि कबीर खान और सलमान खान का थर्ड वेंचर था, जो बजरंगी भाईजान के बाद मूवी आ रहा था, तो लोगों में और भी एक्सपेक्टेशन था, लोग सोच रहे थे कि ये मूवी भी बजरंगी भाईजान जैसा होगा, लेकिन ये मूवी भी फ्लॉप हो गया। तो जब दो बड़े बड़े मूवी फ्लॉप हो जाते हैं तो लोगों का एक्सपेक्टेशन कम हो जाता है, और जब हैरी मेट सजल और ट्यूबलाइट के बाद तीसरी बड़ी फिल्म पिछले साल की थी गोलमाल 4, तो लोग जब इस मूवी को देखने गए तो लोग पहले से ही एक्सपेक्टेशन बहुत कम करके सिनेमा हॉलों में गए, और जहाँ पे गोलमाल 4 एवरेजली गुड था उतना भी खास नहीं था। एक गोलमाल सीरीज में मैं नहीं मानता हूँ कि गोलमाल 4 सबसे बेस्ट पार्ट है, फिर भी इस मूवी ने 200 करोड़ का मार्क पूरा किया, तो ये पूरा श्रेय जाता है
जब फेरी मेट सजल और ट्यूबलेट के फ्लॉप होने पर, जब दो बड़े बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाता है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो जाता है अगली बड़ी फिल्म के ऊपर। तो जब वो गोलमाल फोर देखने गए तो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन उतना हाई नहीं था और गोलमाल फोर उन लोगों के एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाया, जो कि एवरेजली गुड सिनेमा था, 200 करोड़ के लायक नहीं था, मैं ये मानता हूँ। और यही चीज दोबारा हुआ इस साल में। इस साल का सबसे बड़ा एंटिसिपेटेड मूवी था, एक था जीरो और एक है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। जब थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी रिलीज हुआ तो इसका फर्स्ट डे कलेक्शन था 50 करोड़। तो आप देख सकते हो कि इस मूवी को लेके कितना एक्सपेक्टेशन था लोगों में, जो कि मूवी उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया, तो ये मूवी भी फ्लॉप हो गया। तो उसके बाद आया 2.0। तो उस मूवी से लोगों ने उतना ज्यादा उम्मीद नहीं किया था, लोगों को पता था कि इस मूवी में VFX होगा, तो वो बस यही मान के चल रहे थे कि इसका इस मूवी का जो VFX है वो अच्छा हो जाए। अगर आप देखेंगे कि 2.0 का स्टोरी उतना भी स्ट्रांग नहीं है, ये जो फर्स्ट पार्ट था रोबोट का, उसके सामने 2.0 का स्टोरी कुछ लॉजिक नहीं रखता और एक लॉजिकलेस कहानी है, फिर भी ये मूवी बहुत बड़ा हिट हो गया। और उसके बाद आया जीरो, जो कि अनंत एल राय और शाहरुख खान का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और जीरो भी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया। तो सेम चीज दोबारा रिपीट हुआ, क्योंकि लोग इतना एक्सपेक्टेशन रख रहे थे बड़े बड़े फिल्मों से और वो फिल्में फ्लॉप के फ्लॉप हो रहे थे। तो उसके बाद बड़े फिल्म एक ही था, सिम्बा, जो कि कमर्शियल मूवी था, तो लोग और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाह रहे थे। और एक हफ्ते बाद ही, जीरो के एक हफ्ते बाद ही जब सिम्बा रिलीज हुआ, तो लोग ऐसे ही माइंडसेट लोअर करके बस ऐसे ही चले गए मूवी देखने की, यार एंटरटेनिंग हो जाए बस, स्टोरी में क्या लॉजिक घुसाएंगे क्या होगा उसको उन लोगों का परवाह नहीं है। तो सिम्बा वहां पे क्लिक कर गया। आप अगर गौर से देखेंगे इस साल 2018 में, मतलब पिछले साल 2018 में जो भी मूवी चला है, जो भी मूवी बात ब्रेकिंग हुआ, अंधाधुन, बधाई हो, वो सब मूवी को लेकर लोग इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे। जाहिर सी बात है, वो सब मूवी को लेकर लोग इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे। किसको पता था अंधाधुन इतना इतना अच्छा मूवी होने वाला है, किसको पता था बधाई हो ब्लॉकबस्टर होने वाला है। जो भी मूवी पिछले साल बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस और क्रिटिकली एक्लेम, जो भी हिट मूवी है, सब उसी को भी लेके उतना भी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाई एक्सपेक्टेशन था 3-4 मूवी को लेके, जैसे रेस 3, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जीरो, और तीनों मूवी फ्लॉप के फ्लॉप हो गए। तो जब बॉलीवुड के बड़े फिल्में जिसके ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो जब फ्लॉप हो जाता है, तो दूसरा जो उसके बाद ही वाला जो बड़ा फिल्म आता है, तो उससे लोग उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते। तो और रोहित शेट्टी ने पहले ही बोल दिया कि हम कोई एक्सपेरिमेंटल मूवी नहीं बना रहे, तो लोग पहले से ही वो माइंडसेट लेके चले गए कि ठीक है एंटरटेनिंग होगा, न्यू ईयर का सीजन है, सब हंसी मजाक में, फैमिली को लेके जाएंगे, दोस्तों को लेके जाएंगे, थोड़ा टाइम पास होगा, और ये मूवी वैसा ही है। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ी मूवी के सक्सेसफुल होने में उसके पहले 2-3-4 बड़े मूवी का फ्लॉप होना कितना कितना इफेक्ट करता है। और जैसे कि अगर थग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो, ये दोनों मूवी अगर ब्लॉकबस्टर होती, ये दोनों मूवी अगर हिट होता, ये मूवी अगर चल जाता, तो मुझे नहीं लगता कि 2.0 और सिम्बा उतना हिट हो पाता, क्योंकि उन लोगों को उतने स्क्रीन्स भी नहीं मिलते। तो यहाँ पे टोटली सिम्बा का जो सक्सेस है वो फर्स्ट क्रेडिट जाता है इसके मार्केटिंग टीम को, जो कि बहुत ही अच्छा प्रमोशन हुआ है इस मूवी का। और दूसरा इसका क्रेडिट जाता है जो भी बड़े बड़े मूवी आए हैं, जो भी बड़े बड़े मूवी इसके पहले रिलीज हुए, जैसे कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जीरो, ये फ्लॉप होने का। क्योंकि जब दो बड़े बड़े मूवी बॉलीवुड के फ्लॉप हो जाते हैं, तो तीसरा जो भी मूवी आता है बॉलीवुड का बड़ा मूवी जो आता है, उससे लोग उतना उम्मीद नहीं रखते, और वो अगर एवरेजली भी गुड हो जाए, वो अगर थोड़ा भी अच्छा हो जाए, तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही हुआ सिम्बा के साथ। तो दोस्तों यही मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ऑडियंस का एक माइंडसेट आपको पता चलता है कि इंडियन ऑडियंस का माइंडसेट क्या है, कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं कि हाँ, मतलब
आप खुद भी जब मूवी देखने जा रहे हो तो ये शायद होगा आपके साथ भी, जब कोई बड़ी मूवी जिससे आप बहुत उम्मीद लगा बैठे हो और वो अच्छा ना कर पाए, फिर तो दूसरा जो मूवी आता है उससे आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं हो, तो वो मूवी पिछले मूवी जो आपको अच्छा नहीं लगा उससे भी बदतर कर ले, बट एवरेजली अगर गुड भी कर ले तो भी आपको वो मूवी अच्छा लग जाता है। यही हो रहा है 2 साल तक। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारा नया यूट्यूब सीरीज निकला है शॉर्ट स्टोरीज, तो इसका चैप्टर 1 आप देख सकते हैं और फीडबैक जरूर दीजिए आपको कैसा लगा। और ये वीडियो भी आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।